समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने सपा बसपा रालोद गठबंधन का टिकट तो उन्हें थमा दिया, लेकिन टिकट की घोषणा होते ही पार्टी में अंतर्कलह के सुर तेज हो गए। ऐसे हालात में सपा को अपने गढ़ संबल में बड़े अंतर्कलह का सामना करना पड़ रहा है। सपा प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध, संभल लोकसभा सीट पर डॉक्टर बर्फ के प्रत्याशी बनने पर नाराजगी। विधायक पुत्र ने सोशल मीडिया के जरिए किया विरोध। पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ जताया एतराज। कहा लाठी डंडे खाकर खून बहाए हम, लेकिन मजदूरी किसी दूसरे को। मिशन 2019 को फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश में भले ही सपा बसपा और रालोद के बीच सीटों का गठबंधन हो गया हो, लेकिन संभल जिले में समाजवादी पार्टी के दो गुटों के बीच की दीवार को पार्टी हाईकमान नहीं खत्म कर सकी है। जहां समाजवादी पार्टी द्वारा मिशन 2019 का किला फतेह करने के लिए संभल लोकसभा सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद डॉक्टर शफीकुर रहमान के विरोधी गुट यानी विधायक नवाब इकबाल के खेमे में डॉक्टर बर्क के टिकट को लेकर जबरदस्त विरोध का दौर शुरू हो चुका है। डॉक्टर बर्क के धुर विरोधी माने जाने वाले शहर विधायक इकबाल महमूद के समर्थकों के साथ ही विधायक पुत्र सोहेल इकबाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रत्याशी का खुलकर विरोध करने के साथ सोशल मीडिया पर भी पार्टी के फैसले का विरोध जताया। जिसमें सोहेल इकबाल ने अपलोड की गई पोस्ट से हड़कंप मचा दिया है, साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में प्रत्याशी के विरोध की तस्वीर कैसी होगी। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे वेल विशर्स, हमारी पार्टी, ये तीनों चीजें हमारी रीढ़ की हड्डी है। न हम पार्टी से अलग हैं, न हम अपने वर्कर्स से अलग हैं, न हम अपने सपोर्टर्स से अलग हैं। हम सबको बैठ के फैसला करेंगे, पार्टी के साथ साथ पार्टी के वर्कर्स और अगर सपोर्टर्स नहीं रहेंगे तो पार्टी भी नहीं रहेगी। उन लोगों को अगर पार्टी दे रही है तो पूरा मैं नहीं, पूरा शहर मायूस है, क्योंकि नाइंसाफी किसी भी तरफ से होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि है ना कि हम विरोध कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें पार्टी से बहुत उम्मीद है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को प्रत्याशी घोषित करने के बाद विधायक खेमे में शुरू हुए विरोध को देखते हुए डॉक्टर बर्क का कहना है कि विरोध उनका साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। लेकिन उस समय भी संभल लोकसभा सीट सबसे कम वोट से हारने वाली प्रदेश की अकेली सीट है। इस बार भी चुनाव में 99% जनता उनके साथ है, केवल 1% लोग बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं। हम सारा 99% आवाम हमारे साथ है, 1% ये लोग कर रहे हैं, बस 99% जनता हमारे साथ है। इनसे हमें बैठने की जरूरत है, इनसे पूछना होगा, न इनके कहने से कोई आदमी बैठने वाला है। इन्होंने पहले समाजवादी से हम खड़े थे और इन्होंने समाजवादी के खिलाफ, ये बिल्कुल समाजवादी के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ाया था। वही संभल लोकसभा सीट से डॉक्टर बर्क के प्रत्याशी बनने पर हो रहे विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी दोनों टीमों के बीच चल रही लड़ाई की चुटकी लेने में लगी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल का कहना है कि सपा और बसपा का गठबंधन ये एक दिखावे का गठबंधन है, ये गठबंधन निचले स्तर पर किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये गठबंधन नहीं
बल्कि ठगबंधन है जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। ये गठबंधन ऊपरी स्तर पर अखिलेश यादव व मायावती का है, निचले स्तर पर यह गठबंधन सफल नहीं होने वाला। और इस गठबंधन के बारे में सब लोग समझ चुके हैं कि ये असलियत क्या है। ये एक दूसरे आपस में मिलकर ऊपर के लोग जान बचा रहे हैं, परंतु निचले स्तर पर आपस में जो मतभेद है वो कभी मतभेद है वो हमेशा मजबूत रहेंगे। और निचले स्तर पर इनका गठबंधन सफल नहीं हो सकता। टिकट घोषित हुआ समाजवादी पार्टी का डॉक्टर सफीकर मद के रूप में, और उन्होंने किस प्रकार से उनके समर्थकों ने किस प्रकार से संबल की धरती पर अभी से एक माहौल बिगाड़ने का काम किया, समय आने पर हम ऐसे लोगों को जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में एक एक सीट के सहारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट लाने का सपना संजोए बैठे गठबंधन हाईकमान के लिए संभल लोकसभा सीट पर लिया गया फैसला एक बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के ही मजबूत और वफादार विधायकों में गिने जाने वाले विधायक इकबाल महमूद के खेमे द्वारा पार्टी के ही प्रत्याशी का इतना विरोध किया जा रहा है, ऐसे में कहीं एक बार फिर ये विरोध साल 2014 की तरह संभल लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी ना साबित हो। संभल से समाचार प्लस के लिए अभिनव माथुर की रिपोर्ट।